हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स के बारे में। तो बेसिक हम डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल को समझने के लिए हम ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कभी एक क्वेश्चन दिया जाता है कि क्या ये नंबर आपका 8 से डिवाइड हो सकता है, लगता है मन में कि क्या एक रैंडम नंबर 17 से डिवाइड हो सकता है, क्या एक रैंडम नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है, तो उसके लिए अगर आपको डीटी बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स आइडिया होंगे तो आप इजीली हर एक नंबर का डिविजिबल पता कर सकते हो, वो भी चुटकियों में और मिनटों में आपका काम आसान हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन। आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे डीटी बाय 2 से। डीटी बाय 2 के स्टेटमेंट और जितने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट के स्टेटमेंट हैं वो मैं आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर शो कर दूंगा एंड ऑफ द लेक्चर में। बट पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है DT by 2। DT by 2 होता है कि जो लास्ट डिजिट होती है, मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं 2, 3, 4, 6, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो एक इवन नंबर होनी चाहिए। द लास्ट डिजिट शुड बी एन इवन नंबर। DT by 2 ये स्टेट कहता है कि जो लास्ट डिजिट होती है वो इवन नंबर होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, DT by 3 क्या स्टेट करता है। DT by 3 हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई नंबर 3 से कैसे डिवाइड हो सकता है, या कोई एक रैंडम नंबर क्या 3 से डिवाइड हो सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। मैंने एक नंबर लिया, उसका जो सम होगा, मतलब उस नंबर की हर एक डिजिट का जो सम होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे एक डिजिट हमने ले ली 3693, इस डिजिट का पहले हम करेंगे सम, यानी कि सम में ऐड करेंगे 3 + 6 + 9 + 3, दैट इज योर 21। ठीक है, तो इससे आपको स्टेट हो जाएगा कि क्या आपके पास में इन सब का सम आ गया 21। और जो 21 है, 21 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 21 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। तो 21 आपका 3 का मल्टीपल है, इस वजह से DT by 3 में ये अप्रूव हो जाता है। थर्ड हम बात करते हैं DT by 4 की। DT by 4 का रूल क्या कहता है, एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। DT by 4 का रूल ये कहता है कि जो लास्ट की जो दो डिजिट्स होती हैं वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल में हम देख लेते हैं 2, 3, 4, 1, 6। तो इस एग्जांपल में मैंने जो लास्ट की दो डिजिट हैं वो ऐसी ली हैं कि वो डिजिट जो है वो 4 के अंदर डिवाइड हो सके। तो एग्जांपल आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि लास्ट की जो दो डिजिट्स होनी चाहिए वो किसका मल्टीपल होगा, 4 का। लास्ट टू डिजिट इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। तो जो हमने 16 लिया है उसका मल्टीपल ऐसे निकल जाता है 4, 4 जो 16। तो 16 जो है वो डिवाइड हो सकता है 4 से, दैट मीन्स ये पूरी डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो सकती है। फोर्थ हम बात करते हैं DT by 5 की। ये बहुत ही इजी है, इसके अंदर जो लास्ट डिजिट होती है इज इक्वल्स टू 5 और 0। मेन की इसका ये मतलब होता है कि लास्ट की तो जो दो, सॉरी, लास्ट की जो एक डिजिट है वो या तो 5 होनी चाहिए या 0 हो, तो वो 5 से जो नंबर है वो डिवाइड हो सकता है। फिफ्थ हम बात करेंगे DT by 6 की। अब हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे एग्जांपल्स, क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है, क्या कोई नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। उसके लिए रूल क्या होते हैं, जैसे इसके रूल सिंपल हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल मैं लेता हूँ, इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर ये स्टेट करता है DT by 6 की लास्ट की जो डिजिट होगी, लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू इवन नंबर, वो एक इवन नंबर होनी चाहिए, और सम ऑफ ऑल द डिजिट इज इक्वल्स टू अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी 6 + 2 + 5 + 6 + 8 इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 3। मतलब आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6 ये कहता है कि
कि जो आपकी लास्ट डिजिट है वो एक इवन नंबर होनी चाहिए और जो आपका सारी डिजिट्स का जो सम है वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। तो 6 + 2 + 5 + 6 + 8 = 27 एंड 27 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो DT/6 का रूल स्टेट बहुत सिंपल है कि इसकी जो लास्ट डिजिट होती है वो नीचे इवन नंबर और इसका जो सारी डिजिट का जो सम होता है वो 3 का मल्टीपल होगा। तो वो जो नंबर है उसको हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं और हमारा रिमाइंडर जो है वो आएगा 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे 6 टॉपिक की और DT/7 की। देखिए 7 का जो टॉपिक है ना ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ। तो एग्जांपल से क्या होता है, एग्जांपल से आपको इजी हो जाएगा कि कैसे हम उसको समझ सकते हैं और किस तरीके से वो सॉल्व हो सकता है। तो एग्जांपल के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। 10416 मैंने एक नंबर लिया, 10416 मुझे ये नंबर एक दिया गया और मुझे कहा गया क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। तो फाइंड आउट करते हैं क्या ये नंबर डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो 7 से फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल हैं कि इसका जो लास्ट डिजिट है उसको हमें करना पड़ेगा डबल, यानी कि 10416 की जो लास्ट डिजिट है उसको करना पड़ेगा डबल, उसका डबल हुआ 12 और 12 का हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1041 में से। ठीक है, 1041 - 12 इसका आपका आंसर आ गया 1029। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि हमें लास्ट डिजिट का करना है डबल और उसके बाद में उसको करना है सब्ट्रैक्ट। और ये हम कब तक करेंगे वो आगे हम फाइंड आउट करते हैं। अब बचा हमारे पास में 1029, 9 का भी सेम हम करेंगे डबल, 102 - 18 = 84। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम वापस लेंगे लास्ट के डिजिट, हम लास्ट के डिजिट को करेंगे 84 का करेंगे डबल और उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट रिमेनिंग डिजिट में से और आपका आ गया 0। इस वाले मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है और आपका रिमाइंडर एट लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब कि ये जो नंबर है, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, आप उसे इस नंबर को 7 से डिवाइड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारा DT/8। 7 पॉइंट आ गया हमारा DT/8। DT/8 कैसे एट करता है, देखिए 7 स्टेटमेंट आपको क्लेरिफाई हो गया, 7 तक तो आपको क्लेरिफाई हो गया, 8 में ज़्यादा कुछ अपन को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। DT/8 के अंदर जो लास्ट 3 डिजिट होती है वो डिवाइड हो जानी चाहिए 8 से, मतलब उसके जब हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो मैं एक डिजिट ले लेता हूँ 17288 और मुझे पता करना है कि क्या ये डिजिट 8 से डिवाइड हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट की थ्री डिजिट्स को मैं लूँगा और उसको मैं डिवाइड कर दूँगा किससे, 8 से। जैसे 8 से अगर वो डिवाइड हो जाता है और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, 288 को मैं डिवाइड करूँगा, मैं शॉर्ट मेथड यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो 8 से मैं अगर डिवाइड करूँगा तो 8 1 8, 8 3 24, आगे वो शिफ्ट होगा 4 और 8 6 48, हमारे पास में आ गया 36। तो डैट मीन्स ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो सकता है। हमने पॉसिबिलिटी निकाल दी है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स होती हैं इट इज डिविजिबल, 288 इज डिविजिबल बाय 8, सो 17288 कैन बी डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो इससे आपको स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा DT/8 किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।
पे, जो कि है dt by 9. dt by 9 क्या स्टेट करता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9. मतलब कि जो डिजिट्स हैं उनका अगर हम सम करेंगे तो वो इक्वल आएगा 9 के. एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं. 3627 मैंने नंबर लिया, रैंडम नंबर है 3627. क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है? उसकी प्रॉपर्टी, उसका रूल कैसे हम निकालेंगे? हम करेंगे तीनों को ऐड. 3 + 6 + 2 + 7 = अब हम क्या करेंगे, वो नंबर निकालेंगे जिससे कि ये आइडिया लग जाए और वो नंबर मल्टीपल होना चाहिए 9 का. ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. तो प्रीवियस लेक्चर में मल्टीपल और फैक्टर्स मैंने क्लेरिफाई करे थे, तो आप वहाँ से जा करके अपना वो लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं. तो जैसे कि हमने देखा, हमने इनका करा है सम 3 + 6 + 2 + 7 = 18. और ये आपका 18 जो है वो एक मल्टीपल है 9 का. हेयर 18 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 9. दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है 9 का डिवीजन का. बस आपको सिर्फ सारे नंबर्स का सम करना है. सारे नंबर्स का सम करने के बाद आपको उससे आइडेंटिफाई लग जाएगा कि क्या वो नंबर 9 की टेबल में आता है. अगर आता है तो वो 9 से डिवाइड हो सकता है. 9th पॉइंट पे हम चलेंगे. dt by 10 बहुत सिंपल रूल है. एंड में अगर 0 आता है, लास्ट डिजिट अगर 0 है, तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है. फिर चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, बस लास्ट में आपका 0 अगर आता है, लास्ट डिजिट इफ लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, तो ये जो है dt by 10 में ये अप्रूव हो जाता है. अब हम बात करेंगे हमारा 10th पॉइंट, dt by 11. अब dt by 11 क्या स्टेट करता है? देखिए, आखिरी टॉपिक है हमारा dt by 11. तो dt by 11 क्या स्टेट करता है वो हम इन्हीं चीज़ों से जानेंगे. एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है. 2728. तो बेसिकली dt by 11 का जो रूल है वो बहुत सिंपल है. dt by 11 का रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट प्लेस पे और सॉरी ऑड प्लेस पे जो वैल्यूज़ है हम उनका सम करेंगे, और इवन प्लेस पे जो वैल्यूज़ है उनका अगर हम सम करेंगे और फिर उसको हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो 11 की इक्वल होगा. मतलब ऑड प्लेस पे जो वैल्यूज़ हैं वो है हमारी 8 and 7. ऑड प्लेस वैल्यूज इज इक्वल टू 8 + 7 एंड इवन प्लेस वैल्यूज इज इक्वल टू 2 + 2. ठीक है, अब आपके सामने 8 + 7 = 15 एंड 2 + 2 = 4. हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे. डिफरेंस ऑफ बोथ डिजिट इज इक्वल टू 15 - 4 = 11. और आपका ये जो डिफरेंस है ये 11 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये जो नंबर है हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये समझाया गया डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आया होगा. और एट लास्ट मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है और आपको कोई सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ. जूम क्लासेस मैं 10 to 11 अटेंड करता हूँ. प्रीवियस दो वीडियोज़ मैंने जूम के ऊपर बनाए हैं. प्लीज़ उसको वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. We'll be right back.